स्टूडेंट्स हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे आज देखिए कुछ और डिराइव क्वांटिटी का आपको हम फार्मूला डायमेंशन और उसका ऐसा SI यूनिट दिखाएंगे पंद्रह नंबर तक हो गया था चलिए सिक्सटीन मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व तो आघूर्ण इसका सिंबल होता है आई और I का फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए यह एक एक्सिस है यह क्या है एक्सिस है इसको हिंदी में क्या कहेंगे अक्ष यह जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं यह एक एक्सिस है इस एक्सिस के चारों तरफ यह m मास का कोई ऑब्जेक्ट है यह जो वस्तु है ऑब्जेक्ट m मास का यह इस एक्सिस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे घूर्णन कर रहा है यानी रोटेशन कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया एम मास का एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूर्णन कर रहा है रोटेशन कर रहा है इस एक्सिस के चारों तरफ और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर तो इस ऑब्जेक्ट के मास एम और रेडियस आर के स्क्वायर के प्रोडक्ट को यानी गुणनफल को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं

ऐसा si यूनिट आप कहां से निकालेंगे फार्मूला से ही निकालेंगे तो यहां से आप निकालिए इसका ऐसा यूनिट मास का ऐसा si यूनिट हो गया के और आर का ऐसा si यूनिट हो गया मीटर तो के मीटर स्क्वायर इसका ऐसा si यूनिट क्या हो गया के मीटर स्क्वायर अगर आप डायमेंशन से निकालते हैं तो यहां से भी ऐसा si ही मात्र क्या निकल जाएगा के मीटर स्क्वायर तो इस केस में हम देख रहे हैं कि फार्मूला से भी वही ऐसा si यूनिट निकल रहा है और डायमेंशन से भी वही ऐसा SI यूनिट निकल रहा है लेकिन आपको मैंने बताया था कि फार्मूला से आप ऐसा SI यूनिट निकालिए वो ज्यादा बेस्ट होगा तो फार्मूला से क्या हो जाएगा के जी इंटू मीटर स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक फिजिकल क्वांटिटी है फिजिकल में भी डिराइव्ड क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी इसका डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर और इसका ऐसा SI यूनिट होता है के जी मीटर स्क्वायर ये सब जितना भी हम डिराइव क्वांटिटी पढ़ा रहे हैं जैसे जैसे आप फिजिक्स के आगे वाले चैप्टर को पढ़ते जाएंगे अभी तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हैं, फिर सेकंड पढ़ेंगे थर्ड पढ़ेंगे तो जैसे आप पूरा इलेवंथ और पूरा ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ लोगे तब आपको ये सारे डिराइव्ड क्वान्टिटी के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा ठीक है अभी तो स्टार्ट ही किए हैं तो अभी केवल आप फॉर्मूला देखिए थोड़ा बहुत आइडिया मिलता हो, मिल रहा होगा लेकिन अगर डिटेल में आइडिया चाहिए तो उसके लिए पूरा इलेवंथ और पूरा ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ना होगा ठीक है देखिए सेवनटीन नंबर है एंगुलर मोमेंटम इसका सिंबल है एल एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कोणीय संवेग कहते हैं क्या कहते हैं कोणीय संवेग मोमेंटम भी दो प्रकार का होता है एक हो गया लीनियर मोमेंटम और एक हो गया एंगुलर मोमेंटम एक हो गया रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम को रेखीय संवेग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम को कोणीय संवेग कहते हैं लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और पी का फॉर्मूला मैंने बताया था एम इंटू भी मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम पी का फॉर्मूला क्या होता velocity, है मास इंटू वेलोसिटी ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम पी इंटू रेडियस आर यहां पर देखिए डायग्राम में यह एक एक्सिस है इस एक्सिस के चारों तरफ यह m मास का ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से घूर्णन कर रहा है ठीक है और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर तो इस वस्तु का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो m इंटू भी होगा इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम क्या होगा m इंटू भी मास इंटू वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं लेकिन अगर लीनियर मोमेंटम को हम रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस एल का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम पी का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम आर का मतलब हो गया रेडियस कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग त्रिज्या अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रखिए एम इंटू और ये आर तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया एम वी आर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा मास का डायमेंशन एम वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन रेडियस का डायमेंशन एल एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकल गया अब इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे फार्मूला से एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी आर मास का ऐसा यूनिट हो गया के जी वैलासिटी का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड रेडियस का ऐसा SI यूनिट हो गया मीटर मीटर इन मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो इसका ऐसा SI यूनिट हो गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर आप डायमेंशन से निकालेंगे तो यहां से भी ऐसा SI यूनिट मिल जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लेकिन फॉर्मूला सही निकालिए नेक्स्ट क्या है टेंशन टेंशन को टी से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में तनाव कहते हैं तनाव एक प्रकार का बल है जब भी आप किसी रस्सी को या किसी धागे को खींचिएगा तो उसमें टेंशन लगता है उसमें टेंशन उत्पन्न होता है यह डायग्राम देखिए एक छत से यह सीलिंग है सीलिंग का मतलब छत होता है सीलिंग का मतलब क्या होता है छत एक छत से एक धागा को लटकाया गया है और उस धागा के साथ एक पत्थर बांध दिया गया जैसे आप इस पत्थर को या इस ब्लॉक को लटकाइएगा तो इस धागे में तनाव उत्पन्न होगा मान लेते हैं इस धागे में कितना तनाव उत्पन्न हुआ टी तो तनाव क्या है टेंशन क्या है टेंशन एक प्रकार का बल है जो किसी धागे में उत्पन्न होता है कब जब उस धागे को खींचा जाता है तो यह जो पत्थर है अपने भार से इस धागे को खींच रहा है तो खींचने के कारण इस धागे में तनाव उत्पन्न होगा तो टेंशन क्या है एक प्रकार का फोर्स है तो टेंशन क्या हो गया फोर्स हो गया तो टेंशन का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सीलरेशन एम एल टी माइनस टू और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन यानी टेंशन क्या है टेंशन एक प्रकार का फोर्स है तो टेंशन का वही डायमेंशन होगा जो फोर्स का होगा ठीक है नेक्स्ट क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को स्प्रिंग नियतांक कहते हैं इसका सिंबल है के यहां पर देखिए एक स्प्रिंग है जो अपने सामान्य लंबाई में है मतलब इस स्प्रिंग को ना तो हमने खींचा है और ना इसको दबाया है ना तो एक्सटेंड किया है और ना ही कंप्रेस किया है यह स्प्रिंग अपने सामान्य लंबाई में है इसको नेचुरल लेंथ कहते हैं सामान्य लंबाई का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग ना तो खींचा हुआ है ना दबा हुआ है ठीक है लेकिन मान लीजिए इस स्प्रिंग पर हमने बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया एफ और इस फोर्स के कारण स्प्रिंग में कितना खिंचाव उत्पन्न हुआ एक्स ये एक्स क्या है खिंचाव है यानी एक प्रकार का दूरी है मान लीजिए इस स्प्रिंग पर कितना न्यूटन का बल लगा एफ और जैसे ही यह बल लगा फोर्स लगा तो स्प्रिंग में कितना मीटर का या कितना सेंटीमीटर का खिंचाव हुआ एक्स तो एक फॉर्मूला है एफ इक्वल टू के एक्स एफ इक्वल टू के एक्स यानी एफ स्प्रिंग पर लगा बल फोर्स का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के अगुना जितना दूरी से आप स्प्रिंग को खींचिएगा इन टू एक्स एक्स क्या है डिस्टेंस है यानी जितने डिस्टेंस से स्प्रिंग को आप खींचिएगा वो डिस्टेंस को हम एक्स कहते हैं तो एफ इक्वल टू के एक्स किसी स्प्रिंग पर लगा फोर्स एफ का फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स जहां के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट अब चूंकि के का डायमेंशन निकालना है तो के का के को हम एक तरफ करेंगे बाकी सबको दूसरे तरफ तो के बराबर हो जाएगा एफ बाई एक्स हो गया के का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स बाय डिस्टेंस फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस यानी लेंथ लेंथ का डायमेंशन एल क्योंकि ये तो लेंथ ही है ना ये एक्स क्या है लेंथ है एल एल कैंसिल एम टी माइनस टू इसका ऐसा SI यूनिट कहां से निकालेंगे यहां से के का फार्मूला क्या होता है एफ बाई एक्स के का फार्मूला क्या होता है एफ बाई एक्स फोर्स का ऐसा SI यूनिट होता है न्यूटन और एक्स का मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस का ऐसा SI यूनिट होता है मीटर तो इसका ऐसा SI यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर मीटर न्यूटन मीटर इनवर्स तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का डायमें सॉरी ऐसा यूनिट हमने फॉर्मूला से निकाला न्यूटन पर मीटर अगर इसका हम ऐसा यूनिट डायमेंशन से निकालें मतलब यहां से तो हो जाएगा मास के लिए केजी होगा और टाइम के लिए सेकेंड केजी जी सेकेंड माइनस टू तो हम इसका ऐसा यूनिट केजी जी सेकेंड माइनस टू भी लिख सकते हैं लेकिन यह वाला ऐसा यूनिट ज्यादा सटिक है न्यूटन पर मीटर यही ऐसा यूनिट ज्यादा यूज होता है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यह भी ऐसा यूनिट सही है पर यह ज्यादा सटिक है इसलिए कोशिश करें कि जब भी ऐसा यूनिट निकालना हो तो फॉर्मूला से निकाला जाए ठीक है नेक्स्ट क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट का कोई सिंबल तो है नहीं इसको हिंदी में कहते हैं वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या कहते हैं वेग प्रवणता देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का अर्थ क्या होता है यहां पर एग्जाम्पल में समझिए नदी तो आप देखे होंगे नदी में जो पानी फ्लो होता है नदी में जो पानी का प्रवाह होता है तो उसमें क्या होता है कि जो नदी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहां नदी का तल होता है यह नदी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है ज्यो ज्यो आप नदी के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की ओर बढ़िएगा नदी का बहाव यानी नदी का जो स्पीड है वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएगा ठीक है मान लीजिए जेड डिस्टेंस पर नदी के तल से जेड दूरी पर जो पानी का लेयर है उसका वेलोसिटी है वी लेकिन जेड प्लस डेल्टा जेड दूरी पर पानी का जो वेलोसिटी है वो है भी प्लस डेल्टा भी क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि नदी के सतह का जो ऊपरी बहाव होता है नदी का जो ये ऊपरी सतह है इसका बहाव सबसे ज्यादा होता है जो जो नदी के सतह से आप नीचे की ओर जाएंगे बहाव घटते जाएगा यानी वेलोसिटी घटते जाएगा तो मान लीजिए कि नदी के तल से जेड दूरी पर जो पानी का बहाव है यानी वेलोसिटी है वो भी है और जेड प्लस डेल्टा जेड दूरी पर जो वेलोसिटी है वो भी प्लस डेल्टा भी है तो इसका मतलब यहां यहां पर वेलोसिटी भी है और जैसे यहां से हम यहां गए इसका वेलोसिटी बढ़ गया यानी वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया डेल्टा भी और कितना डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ यहां पर डिस्टेंस है जेड और यहां पर डिस्टेंस है जेड प्लस डेल्टा जेड तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालेंगे इस पूरे डिस्टेंस में नीचे का डिस्टेंस घटा दो जेड प्लस डेल्टा जेड में अगर z हम घटा दें तो क्या निकलेगा डेल्टा जेड इसका मतलब यह दूरी है डेल्टा जेड डेल्टा जेड डिस्टेंस पर कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है डेल्टा भी तो एक मीटर के डिस्टेंस पर कितना चेंज होगा डेल्टा भी बाई डेल्टा जेड इसको कहते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा भी बाई डेल्टा जेड जहां डेल्टा भी है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा z है चेंज इन डिस्टेंस इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसका डायमेंशन होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन होगा चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी हो गया चेंज इन डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी का वही डायमेंशन होगा जो वेलोसिटी का होता है यानी l t 1 और चेंज इन डिस्टेंस का डायमेंशन डिस्टेंस के बराबर होगा l l l कैंसिल t 1 तो इसका डायमेंशन आ गया अब इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं तो यहाँ फॉर्मूला यहां पर है वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और नीचे में डिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट मीटर तो मीटर मीटर हो गया कैंसिल तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकल गया सेकेंड इनवर्स अगर आप डायमेंशन से निकालेंगे तो यहां से भी क्या निकलेगा सेकेंड इनवर्स है। देखिए नेक्स्ट क्या है सरफेस टेंशन सरफेस को हिंदी में पृष्ठ कहते हैं टेंशन को तनाव कहते हैं सरफेस टेंशन का सिंबल है टी और टी का फॉर्मूला होता है एफ बाई एल यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन कहते हैं मान लीजिए कोई लिक्विड है लिक्विड को हिंदी में द्रव कहते हैं कोई भी द्रव ले लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम वाटर ले, ले लेते हैं तो मान लीजिए यह पानी का ऊपरी सतह है पानी का ये ऊपरी सतह है मान लीजिए किसी तालाब में पानी है तो पानी का जो ऊपरी सतह होता है अपर सरफेस या मान लीजिए किसी बाल्टी में ही पानी है तो पानी का जो ऊपरी सतह है उसी का ये पिक्चर है तो इस फिगर में दिखाया गया है कि पानी का एक ऊपरी सतह है या किसी भी लिक्विड का ऊपरी सतह है इसके ऊपर एक लाइन है ये लाइन देख रहे हैं इस लाइन ए बी पर इसका नाम हम रख देते हैं ए बी ये जो लाइन है यह लाइन है ए बी यह बिल्कुल काल्पनिक लाइन है इमेजनरी लाइन इसको इमेजिन करिए कल्पना करिए कि पानी के सतह के ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया ए बी ठीक है तो पानी का गुण होता है या किसी भी लिक्विड का एक गुण होता है कि वह उस रेखा को खींचेगा दोनों तरफ से इस पर मान लेते हैं इस रेखा का लंबाई एल है और इस एल लंबाई के रेखा पर इधर से भी बल लग रहा एफ या बल कौन लगा रहा लिक्विड लगा रहा और इधर से भी बल लग रहा एफ यानी एल लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है एफ दोनों तरफ से फोर्स लगता है इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है किसी भी द्रव के सतह पर अगर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो उस काल्पनिक रेखा पर द्रव के द्वारा दोनों तरफ से बराबर और विपरीत बल लगता है इफ वी ड्रॉ एन इमेजनरी लाइन ऑन द टॉप सरफेस ऑफ एनी लिक्विड देन ऑन एनी इमेजनरी लाइन देन ऑन द टॉप सरफेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन द लाइन बाय द लिक्विड तो चूंकि तो यूनिट टेंशन कहते हैं यह जो सरफेस टेंशन है यह प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है इस रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं मान लीजिए पचास न्यूटन का बल लग रहा है दस मीटर लंबाई के रेखा पर तो पचास न्यूटन बटे दस मीटर यानी पांच न्यूटन प्रति मीटर चूंकि दस मीटर पर पचास न्यूटन का बल लग रहा है तो एक मीटर पर पांच न्यूटन लगेगा तो पांच न्यूटन पर मीटर यहां पर सरफेस टेंशन कहलाएगा ठीक है इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक चैप्टर है चैप्टर नंबर एट उसमें हम डिटेल बताएंगे सरफेस टेंशन के बारे में अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए अभी आराम से केवल यह देखिए कि क्या फॉर्मूला है और कैसे डायमेंशन हम निकालते हैं तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन होता है एमएलटी माइनस टू लेंथ का एल 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 कैंसिल एम टी माइनस टू इसका ऐसा यूनिट निकल जाएगा यहां फॉर्मूला से फोर्स का फॉर्मुला होता है न्यूटन लेंथ का फॉर्मूला होता है मीटर न्यूटन पर मीटर ठीक है चलिए आगे चलते है। thời分ip, हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 22 नंबर में क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सबस्टांस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सबस्टांस सब्स्टांस का मतलब पदार्थ यानी किसी पदार्थ का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर यानी उस पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व यानी किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही उस पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्स्टांस किसी पदार्थ का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो होता है उस पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात यानी द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटांस तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा किसी पदार्थ का घनत्व देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटांस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर ऊपर में क्या है डेंसिटी और नीचे में भी क्या है डेंसिटी ऊपर में है पदार्थ का घनत्व और नीचे में है पानी का घनत्व तो डेंसिटी का तो डायमेंशन होता है एम एल माइनस थ्री आपको याद होगा जो हमने टेबल टू पढ़ाया था उसमें डेंसिटी का डायमेंशन क्या बताया था मास बटे वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री और डेंसिटी ऑफ वाटर तो वाटर का डेंसिटी हो या किसी का भी डेंसिटी हो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है एम एल माइनस थ्री तो यहां पर ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है ऊपर भी एम एल माइनस थ्री नीचे भी एम एल माइनस थ्री ये तो कैंसिल हो जाएगा एम एम कैंसिल एल माइनस थ्री एल माइनस थ्री कैंसिल तो क्या बचा वन बचा वन बचा मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो मतलब ये डायमेंशन लेस है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई डायमेंशन नहीं होता ये डायमेंशन लेस है यानी वीमाहीन है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टांस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर तो डेंसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस थ्री और नीचे भी डेंसिटी है उसका भी डायमेंशन एम एल माइनस थ्री कैंसिल होकर वन हो गया वन को हम लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो यानी डायमेंशन लेस हो गया इसका कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है के जी पर मीटर क्यूब ऊपर भी के जी पर मीटर क्यूब नीचे भी के जी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो इसका कोई ऐसा यूनिट भी नहीं होता नेक्स्ट क्या है थर्मल कंडक्टिविटी के अब देखिए ये के क्या चीज़ है मान लीजिए एक छड़ है यह किसी मेटल का छड़ है रॉड है यह जो रॉड है इस रॉड का जो ये वाला टर्मिनल है या ये वाला सिरा जो है इसका टेम्परेचर है थीटा वन और इस वाले सिरे का टेम्परेचर है थीटा टू मान लो ये थीटा वन बड़ा है थीटा टू से मान लो ये पचास डिग्री सेल्सियस पर है और ये दस डिग्री सेल्सियस पर है तो टेंपरेचर में डिफरेंस कितना हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू इसको कहेंगे डिफरेंस यानी ताप में जो जो अंतर है है इस वाले टर्मिनल यह जो छड़ है, इसका दो सिरा है इस इस सिरा का टर्मिनल का जो टर्मिनल का, जो हैचर है वो थीटा वन है और इस टर्मिनल का टेम्परेचर है थीटा टू तो अगर किसी छड़ के दोनों सिरे का टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या फ्लो होगा हीट हीट को हीट इनर्जी बोला जाता है उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जैसे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है उसी तरह उष्मा जो है वह भी एक प्रकार का ऊर्जा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इसीलिए यहाँ पर जो ये क्यू दिखाया गया है ये क्यू क्या है हीट इनर्जी जो कि फ्लो हो रहा है ठीक है जैसे किसी तार के दोनों सिरे पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है वैसे ही किसी छड़ के दोनों सिरे पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई किया जाए यानी टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो वहाँ पर हीट फ्लो होने लगता है मान लेते हैं छड़ की लंबाई एल है और छड़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है छड़ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये देख रहे हैं ये सर्कल इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं ये ए है ठीक है तो इस क्यू का फार्मूला क्या होता है ये क्यू क्या है हीट एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है के इंटू ए इंटू थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी बाय एल जहां के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी उष्मीय चालकता यह के एक कॉन्स्टेंट है ए मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड थीटा वन माइनस थीटा टू हो गया टेम्परेचर डिफरेंस एल क्या हो गया लेंथ ऑफ द रॉड और टी क्या हो गया टाइम यानी जितना टाइम तक फ्लो होगा हीट वो टाइम है टी मान लीजिए टी टाइम तक फ्लो हुआ तो Q बराबर क्या फॉर्मूला हो गया के ए थ्रीटा वन माइनस एस टू बाई एल इन टू टी अब यहां पर हमको के का डायमेंशन निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशन निकालना है. तो के का डायमेंशन निकालने के लिए के को इधर रहने दीजिए और बाकी ये सब जितना भी टर्म है इसको उठा के इधर कर दीजिए तो L को उठा के जब हम इधर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा QL और ये तीन टर्म जो है A थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी ये सब नीचे चला जाएगा तो के का फॉर्मूला मिल गया अब के का डायमेंशन निकालने के लिए सबका डायमेंशन रखना होगा क्यू का मतलब क्या होता है हीट एनर्जी तो हीट एनर्जी हो चाहे लाइट एनर्जी हो चाहे साउंड एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे थर्मल एनर्जी हो चाहे केमिकल एनर्जी हो चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो कोई भी एनर्जी हो एनर्जी का वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो ये तो हो गया एल का मतलब लेंथ एल हो गया एरिया का एल स्क् हो गया ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो टेम्परेचर का डायमेंशन टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है है इसका डायमेंशन होता है K, और ये T का मतलब टाइम टाइम का डायमेंशन होता है कैंसिल तो पहले एम लिख लो फिर एल लिख लो फिर टी यहां पर भी है यहां पर भी है टी का पावर वन है ये वन जाके यहाँ घटेगा तो टी माइनस थ्री और लास्ट में के को ऊपर ले जाओ के माइनस वन तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी के का डायमेंशन अब ऐसा यूनिट कहां से लिखेंगे ऐसा यूनिट यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे ये इनर्जी है हीट इनर्जी तो इसका ऐसा यूनिट होगा जूल जूल इंटू मीटर बाय मीटर स्क्वायर कैलविन सेकेंड तो देखिए इसका ऐसा SI यूनिट क्या हो जाएगा जूल इन टू मीटर बाय मीटर स्क्वायर कैलविन सेकेंड एक मीटर कैंसिल हो गया बच क्या गया जूल बाय मीटर कैलविन सेकेंड जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं यहां देखो जूल है यहां देखो सेकेंड है जूल पर सेकेंड को क्या लिखेंगे वाट पावर का ऐसा SI यूनिट और नीचे क्या रहेगा मीटर कैलविन तो यानी वाट पर मीटर कैलविन इसको वाट मीटर इनवर्स कैलविन इनवर्स भी लिख सकते हैं तो इस तरह से ऐसा SI यूनिट मिल गया थर्मल कंडक्टिविटी का नेक्स्ट क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसको हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं और इसका सिंबल है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सिंबल है म्यू हिंदी में क्या कहेंगे अपवर्तनांक म्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई वी जहाँ सी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैकम वैकम को हिंदी में क्या कहेंगे निर्वात भैकम को क्या कहते हैं निर्वात यहाँ निर्वात किसको कहा गया जहाँ पर हवा भी ना हो कुछ नहीं हो एक खाली डब्बा लो उसके अंदर हवा होगा हवा निकाल दो तो क्या बच जाएगा निर्वात एयर को क्या कहते हैं हवा स्पीड ऑफ लाइट को क्या कहेंगे प्रकाश की चाल यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वेलकम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ठीक है तो अब देखिए ऊपर क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो एल्टी माइनस वन इसका डायमेंशन क्या होगा म्यू का डायमेंशन म्यू का डायमेंशन इसके बराबर होगा तो ऊपर में क्या है स्पीड और नीचे भी क्या है स्पीड ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड किसका स्पीड लाइट का स्पीड तो स्पीड का डायमेंशन एल्टी माइनस वन होता है जो वेलोसिटी का होता है नीचे भी स्पीड है एल्टी माइनस वन कैंसिल हो गया यानी डायमेंशन लेस यानी म्यू का डायमेंशन नहीं होता ये डायमेंशन लेस है और जिसका कोई डायमेंशन ना हो उसका डायमेंशन या तो वन लिखते हैं या फिर एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिखते हैं इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा चूंकि म्यू का फार्मूला है सिवाय भी मीटर पर सेकेंड बाई मीटर पर सेकेंड इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता नेक्स्ट क्या है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जो सिंबल है इसको क्या पढ़ते हैं रो रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या है रो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता एक फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो एल बाई ए जहां ए का मतलब हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लीजिए एक मेटल का रॉड है एक धातु का छड़ है मेटल का मतलब समझते होंगे एल्युमिनियम जिंक कॉपर ये सब क्या धातु है यह धातु का एक छड़ है मेटल का रॉड है इसका लंबाई है एल और इसका एरिया है ए तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा प्रत्येक मेटल का कोई भी रॉड हो उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है किसी छड़ का जो प्रतिरोध होता है आर का मतलब रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल बाय ए जहाँ आर क्या है रेसिस्टेंस है रो क्या है रेसिस्टिविटी है एल क्या है लेंथ है और ए क्या है एरिया है हमको रो का डायमेंशन निकालना है तो रो का डायमेंशन निकालने के लिए रो को एक तरफ और बाकी जो एल और ए है इसको दूसरे तरफ तो क्या करेंगे एरिया को उठा के इधर कर देंगे तो आर ए एल को उठा के नीचे कर देंगे आर ए बाय इधर क्या बच जाएगा रो रो बराबर आर ए बाय तो रो का डायमेंशन आर ए बाय के बराबर होगा रेसिस्टेंस का डायमेंशन आपको याद तो नहीं होगा तो क्या करेंगे रेसिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे भी बाय आई ओम का नियम बताए थे ना भीक्वल टू आई आर तो वहां से आर बराबर भी बाई आई जहां भी पोटेंशियल है और आई करेंट है एरिया बाई लेंथ आर का मैंने यहां फॉर्मूला डाल दिया भी बाय आई तो आर के जगह हमने लिख दिया भी बाय आई इंटू एरिया बाय लेंथ अब रो का जो डायमेंशन होगा वो कैसे निकलेगा सब का डायमेंशन पुट करना होगा तो पोटेंशियल का डायमेंशन आपको याद होगा पावर इंटू आई माइनस वन मैंने याद कराया था पोटेंशियल का डायमेंशन आप टेबल टू में जाके देखिएगा पावर इंटू आई माइनस वन पावर का डायमेंशन था एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू आई माइनस वन एरिया का हो गया एल स्क्वायर लेंथ का हो गया एल और करेंट का हो गया आई अब इसको सॉल्व करो एक एल कैंसिल होगा तो यहां पर एक एल बचेगा और यहाँ एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा टी माइनस थ्री यहां आई का पावर वन है ये यह वन यहां घटेगा तो आई माइनस टू होगा यहां एम तो एम एल क्यूब टी माइनस थ्री आई माइनस टू ये हो गया रेसिस्टिविटी का डायमेंशन अब इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे तो इसका ऐसा यूनिट कहां से लिखेंगे फॉर्मूला से रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है आर ए बाई एल आर का ऐसा यूनिट क्या होगा रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम तो यहां ओम लिखेंगे एरिया का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर और नीचे में लेंथ है यहां फार्मूला देखो आर ए बाई एल तो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर एक मीटर कैंसिल क्या हो गया ओम मीटर तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी सिक्स नंबर स्ट्रेस स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स और उस वस्तु का जो एरिया होता है उसके अनुपात को उसके रेशियो को हम स्ट्रेस कहते हैं यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को प्रतिबल यानी स्ट्रेस कहते हैं यह एक वस्तु है इस वस्तु का क्षेत्रफल है इसका जो एरिया है वो ए है और इस पर कितना न्यूटन का बल लगा एफ न्यूटन का तो इस वस्तु का क्षेत्रफल है ए इस वस्तु का जो सरफेस एरिया है वो ए है और इस पर कितना न्यूटन का बल लगा एफ तो इस पर स्ट्रेस कितना लगा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया आपको याद होगा प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया यानी स्ट्रेस और प्रेशर लगभग लगभग एक ही जैसा है दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको हम जब यह चैप्टर पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो वहाँ बताएंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन फार्मूला दोनों का सेम है स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर का भी फार्मूला फोर्स बाय एरिया होता है स्ट्रेस का डायमेंशन क्या निकलेगा फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू और एरिया का होता है एल स्क्वायर एक एल कैंसिल कर दो नीचे एक एल बचेगा उसको ऊपर करो एल पर पावर माइनस वन हो जाएगा टी पर पावर माइनस टू तो स्ट्रेस का वही डायमेंशन होगा जो प्रेशर का होता है प्रेशर का डायमेंशन आपने टेबल टू में याद किया होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसका ऐसा यूनिट क्या निकलेगा इसका फॉर्मूला देखिए ऊपर फोर्स है नीचे एरिया है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है एरिया का मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा जिसको हम एन माइनस टू यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं तो याद रखेंगे स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन बराबर होता है फॉर्मूला भी सेम है स्ट्रेन स्ट्रेन को हिंदी में विकृति कहते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल डेल्टा एल का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ एल का मतलब हो गया ओरिजिनल लेंथ या डेल्टा भी बाय भी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम यहां भी का मतलब वॉल्यूम है यानी आयतन लंबाई में परिवर्तन बटे लंबाई या आयतन में परिवर्तन बटे आयतन इसको क्या कहते हैं स्ट्रेन ठीक है मान लीजिए एक छड़ है इस छड़ का लंबाई है एल इस छड़ का लेंथ कितना है एल और इस पर एक फोर्स लगाया गया इस छड़ पर जिसके कारण इसका लंबाई बढ़कर हो गया एल प्लस डेल्टा एल इस छड़ का लंबाई बढ़ गया एल लंबाई का एक क्षण है इस पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया इसका लंबाई कितना बढ़ गया डेल्टा एल यानी पहले लंबाई था एल अब लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया डेल्टा एल और उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है एल तो डेल्टा एल बाई एल यह जो अनुपात है यह जो रेशियो है इसको स्ट्रेन कहते हैं या किसी वस्तु के आयतन में जो परिवर्तन होता है बल लगाने से हो या टेम्परेचर बढ़ने या घटने से चेंज हो तो मान लीजिए किसी वस्तु का वॉल्यूम है भी टेम्परेचर बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़कर हो गया डेल्टा भी प्लस डेल्टा भी तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया डेल्टा भी और ओरिजिनल वॉल्यूम है भी स्ट्रेन का डायमेंशन स्ट्रेन का डायमेंशन चाहे इस फार्मूला से निकालिए या इस फार्मूला से निकालिए एक ही आएगा चूंकि स्ट्रेन का दो दो फार्मूला है तो चेंज इन लेंथ यानी लेंथ और नीचे भी लेंथ है ये कट के क्या हो गया वन या चेंज इन वॉल्यूम एल क्यूब नीचे भी वॉल्यूम है एल क्यूब कट के क्या आएगा वन वन का मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है और इसका अगर ऐसा यूनिट यहाँ फॉर्मूला से निकालेंगे तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर कैंसिल हो गया ना तो कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा स्ट्रेन का ना तो कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है बिल्कुल जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी हम पढ़ाए थे अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है ठीक उसी प्रकार स्ट्रेन का ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है नेक्स्ट क्या है? ट्वेंटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता मापांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेंथ तो इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो इसके डायमेंशन के बराबर लिखेंगे स्ट्रेस का डायमेंशन होता है प्रेशर के बराबर एम एल माइनस वन टी माइनस टू स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता यानी वन होता है स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन होगा जो स्ट्रेस का होगा फिर से समझिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता यानी वन तो यानी मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर होगा यानी प्रेशर के बराबर होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसका ऐसा यूनिट यहाँ फॉर्मूला से निकालिए ऊपर है स्ट्रेस स्ट्रेस का ऐसा यूनिट प्रेशर के बराबर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन का कोई ऐसा SI यूनिट होता नहीं है तो यानी कि मॉडलस ऑफ इलास्ट्रिसिटी का वही ऐसा SI यूनिट और वही डायमेंशन होगा जो स्ट्रेस का होता है यानी जो प्रेशर का होता है इसका मतलब प्रेशर का स्ट्रेस का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तीनों का सेम डायमेंशन होता है सेम ऐसा यूनिट होता है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन प्रकार का होता है प्रत्यास्थता मापांक तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं देखिए है। फर्स्ट देखिए पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये तीन प्रकार का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन प्रकार के होते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये तीनों जो है ये तीनों का वही ऐसा SI यूनिट और वही डायमेंशन होगा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है यानी स्ट्रेस के बराबर होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन प्रकार का होता है यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसका मतलब इस तीनों का जो डायमेंशन होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा यानी स्ट्रेस के बराबर होगा यानी प्रेशर के बराबर होगा तो प्रेशर का डायमेंशन स्ट्रेस का डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन बल्क मॉडुलस का डायमेंशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन सबका सेम होता है अगर आपसे कोई पूछे यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन लिखो तो यंग्स ऑफ का डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे तो यंग्स ऑफ mm का यंग क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इसका फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इसका फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तीनों का तो सेम फॉर्मूला होगा यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इसका फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इसका फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन चूंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता तो इसका मतलब इस तीनों जो, ये तीनों जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है इस तीनों का डायमेंशन स्ट्रेस यानी प्रेशर के बराबर होगा ट्वेंटी नाइन नंबर है कंडक्टेंस कंडक्टेंस का सिंबल है जी इसको हिंदी में कहते हैं चालकत्व कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वन बाय रेसिस्टेंस कंडक्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा वन बाय रेसिस्टेंस के बराबर रेसिस्टेंस का डायमेंशन अगर डायरेक्ट याद है तो यहां लिख दो अगर नहीं याद है तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो भी बाय आई फिर इसको पलट दीजिए तो आई बाय भी अब आई मतलब करेंट करेंट का डायमेंशन आई हो गया भी का मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल का डायमेंशन होता है पावर इंटू आई माइनस वन पावर का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री फिर नीचे में आई माइनस वन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहले एम लिखना है फिर एल लिखना है फिर टी लिखना है और लास्ट में आई लिखना है अब एम खोजो कहाँ कहाँ है एम सिर्फ एक जगह है यहाँ पर इसको ऊपर करके लिखो यहाँ वन पावर है ऊपर जाएगा माइनस वन होगा एल यहाँ पर है इसको ऊपर लिखोगे तो माइनस टू हो जाएगा t यहां पर है इसको ऊपर लिखोगे तो t पर पावर थ्री होगा माइनस थ्री से क्या हो जाएगा प्लस थ्री और i यहां पर भी है यहां पर भी है यह माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो प्लस वन होगा और पहले से यहां वन है तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू तो g का डायमेंशन क्या आ गया m इनवर्स l माइनस टू टी थ्री आई स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट कहां से निकालेंगे फॉर्मूला से g का फॉर्मूला क्या होता है वन बाई आर जी का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय आर तो जी का ऐसा यूनिट कहां से निकलेगा वन बाय आर से वन बाय आर का आर का यानी रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है तो वन बाय ओम को ओम इनवर्स लिखेंगे ओम इनवर्स को महो लिखते हैं ओ एच एम ओम का उल्टा क्या होगा ओ एच एम ओम इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे एम एच ओ तो ओम का उल्टा ओम इनवर्स यानी ओम का जो उल्टा होगा वो क्या होगा महो एम एच ओ महो ओम का उल्टा क्या होता है महो तो यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया वन बाय ओम यानी ओम इनवर्स ओम इनवर्स को महो भी लिख सकते हैं या ओम इनवर्स को साइमन भी कहा जाता है साइमन एक वैज्ञानिक का नाम है उसी के नाम पर यह पड़ा यानी कंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं महो भी लिख सकते हैं या साइमन भी लिख सकते हैं और लास्ट में है एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी को हिंदी में ऊर्जा घनत्व कहते हैं इसका सिंबल है स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी का सिंबल हो गया यू यू का मतलब पोटेंशियल इनर्जी और वॉल्यूम का सिंबल हो गया भी यू बाई भी यू का मतलब इनर्जी भी का मतलब वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं इनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा इनर्जी बाय वॉल्यूम एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क के बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू इनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये वही डायमेंशन है जो प्रेशर का होता है इसका मतलब प्रेशर का डायमेंशन स्ट्रेस का डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन बल्क मॉडुलस का डायमेंशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन इनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन सेम होता है भले ही ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं लेकिन इनका डायमेंशन सेम है इसका एसआई यूनिट कहाँ से निकलेगा फार्मूला से इनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी इनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब तो एनर्जी डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब आप यहां डायमेंशन से भी लिख सकते हैं ऐसा ही मात्रक पर हम फॉर्मूला से लिखेंगे तो जूल पर मीटर क्यूब तो मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं किस तरह उसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं किस तरह उसका सी जी एस यूनिट लिख सकते हैं ये सारा चीज़ का आइडिया हो गया इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बहुत सारा डिराइव्ड क्वांटिटी है सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन या फॉर्मूला याद रखना इजी नहीं है आपको मैंने दो टेबल बताया था पहला टेबल था फंडामेंटल क्वांटिटी का और उसको मैंने बोला था अच्छे से याद कर लेना याद हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना याद हुआ या नहीं याद हुआ या ऐसे ही टाइम पास चल रहा है जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना और दूसरा टेबल दिया था डिराइव्ड क्वांटिटी का जिसमें सत्रह डिराइव्ड क्वांटिटी मैंने दिया था सब का फॉर्मूला ऐसा यूनिट सी यूनिट और डायमेंशन बोला था याद कर लेने यस और नो याद हुआ कि नहीं ये मुझे कॉमेंट करके बताना अब ये जो डिराइव क्वांटिटी मैंने एक्स्ट्रा थर्टी बताया ये केवल देखिए समझिए कि ये सारा डिराइव क्वांटिटी है इसका ये फॉर्मूला है तो फार्मूला से कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं इसका प्रैक्टिस करिए इसको अभी रटने का कोशिश मत करिए क्योंकि बहुत सारे डिराइव क्वांटिटी है केवल आपको टेबल वन और टेबल टू ही रटना है बाकी जितना अभी एक्स्ट्रा हम थर्टी बताए इसको रटना नहीं है इसको केवल प्रैक्टिस करिए समझिए अगला क्लास मेरा परसों होगा उसमें हम बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसको आप देखिएगा इसके पहले तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ चलिएगा तो फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन रेगुलर होकर पढ़ना होगा और हम जो आपको एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करिए ठीक है तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा थैंक यू